नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नज़र पाउंदे हां देश दुनिया की टॉप 10 खबरां ते। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसा, पिथौरगढ़ में खाई में डिग्गी बोलेरो कार, 9 की मौके पर मौत, 2 लोग जख्मी। सूचना मिलने के बचाव अभियान को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके हादसे से जताया शोक। जम्मू कश्मीर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लश्कर अत्तवादियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों तो AK-47 की 12 राउंड गोलियां और एनके ग्रेनेड किए बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज की अगली जांच शुरू। मध्य प्रदेश समेत 8 सूबे में कल तो 26 जून तक भारी वर्खा का अलर्ट जारी। उथी असम के 10 जिले में बाढ़ तो 1,00,000 लोग ज्यादा प्रभावित। बंगाल बिहार में आसमानी बिजली डिगन जा चुकी है 11 लोगों की जान, दर्जना लोगों के जख्मी होने का मिल रहा समाचार। मणिपुर में अजे तक नहीं रुक रही हिंसा, इंफल में भीड़ और सेना के फिर हुई फायरिंग, सेना के 2 सैनिक की हालत गंभीर। हालात देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली के बुलाई सर्वदलीय बैठक। पंजाब के लुधियाना जिले में खन्ना शहर के ट्रक में लगी भयानक अग, हाइड्रोजन सिलेंडर नाल भरे ट्रक में एक के बाद एक हुए धमाके। आसपास के कई दरख्त आए चपेट में, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के अग को कड़ी मशक्कत से पाया काबू। उ ट्रक ड्राइवर ने कूद के बचाई अपनी जान। पंजाब रोडवेज की बस में महिला ने जम के किया हंगामा, बस में ना चढ़ाने महिला ने कंडक्टर ने जड़िया थप्पड़, टिकट कटने वाली मशीन खोही। कंडक्टर ने महिला के दुर्व्यवहार का बनाया वीडियो, पुलिस ने किया मामला दर्ज। पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती खेत्र में चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के जिला फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा से मिला ड्रोन, 2 किलो हैरोइन जवानों ने की बरामद। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों की कीमत है हैरोइन की। 20 जुलाई तो शुरू होणगीआं हरियाणा बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षावां। पहले दिन 12वीं अते फिर 21 तो 28 जुलाई तक 10वीं दे होणगे पेपर। बोर्ड प्रधान बीवी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दित्ती जानकारी, दस्सदी कि दोपहर 2 बजे तो शाम 5 बजे तक होणगीआं परीक्षावां। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में डॉक्टर की गोली मार के हत्या, साधु ने वारदात को दिया अंजाम। भैन के घर आई पत्नी से बरसाईयां गोलियां, हालात गंभीर। PGI चंडीगढ़ रेफर। कुरुक्षेत्र के सैक्टर 2 की वारदात, गोली मारन के बाद आरोपी मौके तो हुए फरार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 जून को हरियाणा में होने वाली रैली के शेड्यूल में किया गया बदलाव। हुण केंद्रीय रक्षा मंत्री अंबाला में नहीं, यमुनानगर के जगाधरी रैली में होंगे शामिल। दस दी कि अगलेरी चोणों को लेकर रणनीति कर रही भाजपा। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी चैनल।